नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने मेरे पिछले वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखे होंगे। लास्ट मेरे जो ट्रैवल वीडियोस हैं वो मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी कुछ जगहें हैं, जैसे कि इंदौर, फॉर एग्जांपल इंदौर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मांडू और उज्जैन। उज्जैन तो काफ़ी फेमस है क्योंकि एक रिलीजियस सेंटर है उज्जैन। पर बाकी जो शहर हैं, जैसे कि मैंने बताया महेश्वर, मांडू, ओंकारेश्वर, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जो कि घूमी जा सकती हैं। और ये वाकई में बहुत ही शांत, कम भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियोज़ देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं, पहली बार अगर आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस लिंक पे, यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे जाइए और मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। क्या हो रहा है देखिए, कल दिल्ली के अंदर 412 लोग यानी 412 पीपल डाइड इन दिल्ली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। And that in a single day, 412 people died in Delhi in one single day. पूरा देश कोरोना की मार से झेल रहा है, पूरा देश। इस बार जो सबसे चिंता वाली बात है वो यही है, इस बार मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास बेड्स हैं, और तो और हमारे पास वैक्सीन भी नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। लंच रेडी है, बीन्स की सब्जी, चना, आलू चने की सब्जी और दही। इसमें है चावल और खीरा और साथ में देखेंगे मोगली। आपको पता है कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको डाला है, ऐसा कौन सा ट्रेड है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस कोरोना की वजह से? तो सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है और बाकी कुछ स्टडीज़, कुछ रिसर्च करके भी जो पता चला है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सेक्टर है। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, पहले तो टूरिज्म, एविएशन, होटल इंडस्ट्री, जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुई हैं और इतनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुई हैं कि मार्च 2020 पीपल हु हैव बीन रिलेटेड विद टूरिज्म इंडस्ट्री और द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, दे डू नॉट हैव एनी वर्क एंड दे आर सिटिंग आइडली एट होम। द वर्स्ट पार्ट इज दैट नोबडी इज़ पेइंग एनी अटेंशन टू देम एंड द मोस्ट sad thing is that it's not going to revive before 2024 or 2025 if I'm being optimistic. तो बज रहे हैं 4:30 और चाय पीने का टाइम हो गया है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड हुई है इस कोरोना काल में
और बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो या तो घर पे खाली बैठे हैं या उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू कर दिया, जिस तरीके से मैंने योगा सिखाना शुरू कर दिया लोगों को। फिर भी मैं एक बात कहूँगा सबसे कि जितने भी लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक ना एक दिन ये जो काले बादल कोरोना के हैं ये छट जाएंगे और सूरज फिर से चमकेगा, रोशनी फिर से फैलेगी। तो इसलिए कोरोना से अभी जो कंडीशन उसने कर रखी है, सबको दबा दिया है, तो सभी लोग घर में रहें, शांत रहें, सेफ रहें और इस कोरोना का ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दवाई है नहीं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। एंड टूरिज्म विल कम बैक। मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, धूप चली गई है और बादल आ गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया उसने एक कोर्स चालू किया है, नेम ऑफ द कोर्स इज इनक्रेडिबल इंडियन टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो इसमें वो आपको इंडियन टूरिस्ट फैसिलिटेटर का कोर्स कराती है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसमें बेसिक एंड एडवांस दो स्टेजेस हैं इस कोर्स के, और इस कोर्स को करने के लिए कोई भी इंसान इंडिया के अंदर जो 10+2 यानी कि इंटर पास है वो कर सकता है इस कोर्स को, और एज एन टूरिस्ट फैसिलिटेटर काम कर सकता है। सो टूरिस्ट हुआ कमिंग इन इंडिया, उनको फैसिलिटेट करना, एज वी नो फ्रॉम द नेम ऑफ द कोर्स टूरिस्ट फैसिलिटेटर, तो वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कोर्स सेज कि जब टूरिस्ट इंडिया में आता है ऑन इट्स अराइवल फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द पॉइंट ऑफ डिपार्चर एक टूरिस्ट फैसिलिटेटर उसके साथ रहता है, उसके साथ घूमता है, उसको स्थान दिखाता है, अपना कल्चर दिखाता है, मॉन्यूमेंट्स दिखाता है, ये सारी चीज़ें दिखाता है टूरिस्ट को। तो ये एक कोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने लॉन्च किया है। तो अगर कोई भी इंसान जो घर पे खाली बैठा है, करने के लिए आपको टूरिज़म बैकग्राउंड का होने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 10+2 पास हैं और इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस ट्रेड में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा ताकि आप जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। एटलीस्ट खाली बैठे रहने से घर पे कुछ तो बेटर है, कहीं पर आप अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आज का ये व्लॉग बस यहाँ तक ही, और कोशिश करूँगा कि मैं कल फिर कुछ कोई वीडियो बनाऊँ, कुछ डालूँ, कुछ बताऊँ आपको। और इस कोरोना को हम सिर्फ अपने दिमाग से हरा सकते हैं, ध्यान रहे कि इसकी कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन इसकी 100% श्योर नहीं है। मास्क लगाना, अब इस एक मास्क था पहले, अभी दो मास्क का फैशन चल रहा है, धीरे धीरे 3, 4, 5 आई डोंट नो, बट जितने लोगों को ये बीमारी हुई या जितने लोगों की जानें चली गईं, क्या उन्होंने मास्क नहीं लगाया था? मास्क लगाने के बाद भी इस बीमारी का कोई हल नहीं है। तो इसलिए सिर्फ अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए, सिर्फ अपने दिमाग से ही हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। रिमेंबर। चलिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।